राजधानी पटना के गर्दनीबाग से शराब की एक बड़ी खेप गर्दनीबाग थाने की पुलिस ने जब्त की है। गुप्त सूचना के आधार पर गर्दनीबाग थाना और एक्साइज की टीम को मिली बड़ी सफलता। गर्दनीबाग थाना क्षेत्र के अनीसाबाद इलाके से एक ट्रक से भरा कंटेनर विदेशी शराब जब्त किया गया। कंटेनर के साथ शराब, ट्रक ड्राइवर और खलासी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्त ने पुलिस को बताया कि दिल्ली से विदेशी शराब की खेप लाई जा रही थी और आसाम में डिलीवरी करनी थी। लगभग 1000 कार्टून शराब पुलिस ने जब्त किया है, जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 1.5 करोड़ बताई जा रही है। देखिए, अभी तो हम लोग पूरा काउंट भी नहीं किए हैं। एक अनुमान अभी है कि हम लोग 500 से 600 के बीच काउंट किए हैं। अभी काउंट किया जा रहा है, अनुमान लगा रहे हैं कि 1000 से कम नहीं होगा, लगभग 1000 कार्टून होना चाहिए। तो जब टोटल मात्रा हम लोग देख लेंगे तब हम बता सकते हैं कि इसकी बाजार में अनुमानित कीमत क्या है। लेकिन बाकी और लोग जो एसेस कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि लगभग कि 1 से 2 करोड़ की अनुमानित कीमत बाज़ार में अभी हो सकता है। ये सर कैसे पता चला कि इस कंटेनर में? देखिए, इसमें हम लोग को मध्य निषेध इकाई से भी पटना से मिला था, हम लोग उस पर काम कर रहे थे। ये गाड़ी का नंबर हम लोग के पास आया था, कंटेनर की सूचना थी कि इससे शराब लाई जा रही है। हम लोग पूरा थाना इसमें लगे हुए थे, आज काम कर रहे थे। इस कंटेनर को हम लोग अनीसाबाद गोलंबर से थोड़ा दक्षिण बढ़ने पे पहला पेट्रोल पंप है उसके निकट इसको हम लोग डिटेन किए। चालक भागने का प्रयास किया, लेकिन हम लोग उसको, क्योंकि पर्याप्त संख्या में हमारे पास बल पदाधिकारी थे, उसको डिटेन किए। पूछताछ करने में टाल मटोल करने लगा। उसके बाद जब हम लोग उसकी तलाशी लिए तो स्पष्ट हो गया कि शराब सर ये शराब आ रही थी। अभी यही बात आ रही है, वो बोला कि हम दिल्ली से चले और आसाम जा रहे थे। एक बात यह है कि उसका कहना है कि दिल्ली से चले थे आसाम जा रहे थे। अब उससे हम पूछताछ कर रहे हैं, पूछताछ में जो लीड मिलेगा हम अब तक।